यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। देश के बड़े रीजनल चैनल्स में शुमार खबरें अभी तक न्यूज चैनल के लिए 4 अप्रैल की तारीख दोहरी खुशी लेकर आई। खबरें अभी तक के लॉन्च होने के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले दिल्ली में बेस्ट रीजनल चैनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चैनल के प्रबंध निदेशक श्री विशाल गर्ग ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से ये पुरस्कार हासिल किया। वहीं चैनल की लॉन्चिंग का 1 साल पूरा होने पर ये खुशी चैनल प्रबंधन और स्टाफ के लिए दोगुनी हो गई। देखिए रिपोर्ट। 4 अप्रैल 2017 को ठीक 1 साल पहले खबरें अभी तक चैनल की शुरुआत हुई। तो जनता को उनकी आवाज और मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच मिला। जनता ने भी इतनी कम समय में खबरें अभी तक को इतना प्यार दिया कि वो 1 साल के इतने कम समय में बेस्ट रीजनल चैनल बन गया। और यही कारण रहा कि चैनलों की भीड़ में खबरें अभी तक ने सिर्फ 1 साल में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े चैनल कई सालों तक नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल चैनल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत समाज रत्न अवार्ड हासिल करने के लिए खबरें अभी तक की टीम ने 24 घंटे जनता के प्रति काम के लिए ईमानदारी से जुटी रहती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खबरें अभी तक की पूरी टीम को इसकी बधाई दी और साथ ही बेस्ट रीजनल चैनल में सबसे आगे होने के साथ साथ नेशनल चैनलों में भी सबसे आगे होने की शुभकामनाएं दी। खबरें अभी तक न्यूज चैनल को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और मेरी उम्मीद है कि इसी तरह से एक बेस्ट रीजनल चैनल का उसको मुकाम मिला है, बेस्ट नेशनल चैनल भी। इस मौके पर खबरें अभी तक न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक विशाल गर्ग भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवार्ड को खबरें अभी तक की पूरी टीम की मेहनत का फल बताया। उन्होंने कहा कि हमारा चैनल आगे भी इसी तरह खबरों को प्रस्तुत करता रहेगा और सभी प्लेटफॉर्म पर होकर जनता की आवाज बना रहेगा। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं ऑर्गेनाइजर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया और मैं पूरी खबरें अभी तक की टीम को जिनके दिन रात के प्रयास की वजह से आज हमें अवार्ड मिला है उनका सबका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खबरें अभी तक न्यूज चैनल की ये खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब चैनल की चंडीगढ़ कार्यालय में 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया। इस सफलता के साथ खबरें अभी तक का पहला जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान चैनल के हर विभाग के साथी के चेहरे पर एक ही खुशी थी। चैनल के प्रबंध संपादक आशीष अग्रवाल ने इस मौके पर केक काट कर सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी इसी प्रकार लगन से काम करने की सलाह देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर खबरें अभी तक स्टाफ के हर सदस्य ने चैनल प्रबंधन को विश्वास दिलाया कि आगे भी इसी प्रकार मेहनत और लगन से काम करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। खबरें अभी तक को मिले इस अवार्ड से जहां पूरी न्यूज रूम की टीम उत्साहित है, चैनल के 1 साल पूरा होने के मौके पर मिली इस खुशी से कर्मचारियों का जोश दोगुना हो गया है। चैनल की पूरी टीम ने इस अवार्ड के लिए जनता का भी शुक्रिया अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।